नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। खन्ना जीटी रोड पर बच्चों से भरी एक बस हुई दुर्घटना का शिकार, बच्चों को आई मामूली चोटें। सचखंड श्री दरबार साहिब में श्रद्धा भाव से मनाया गया दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, अलौकिक जलोस सजाए गए। जालंधर में भाजपा नेताओं ने डीसीपी को सौंपा मांग पत्र, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। और अब हलचल विस्तार से। खन्ना जीटी रोड पर बच्चों से भरी एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। यह बस हरियाणा से अमृतसर श्री दरबार साहिब जा रही थी। इस दौरान खन्ना पहुंचने पर बस का टायर खराब होने की वजह से बस सड़क पर खड़ी थी। इस दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, तो वहीं गनीमत यह रही कि बस में पड़ा सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद अपने घर वापस भेज दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एक्सीडेंट तो ये हुआ, मतलब कोई हो गया, ये मेरे को आए ना कहने टायर फिट करने, आप टायर फट गए। जब मैं टायर फिट करना आया, इन्हों पूछा मैं, ये कहते भी टायर रात को 3 बजे टायर फट गए, साइड से ला के सुते पे सी, ट्रक वाले ने ला के बिच मारिया। ट्रक उत्थे बस खड़ी, उतों लेके उरे तक बस आ गई। बच्चे सके ये अमृतसर चले सके मत्था टेकन, 35-40 बच्चे ने, ये हरियाणे तो अंबाले तो बच्चे सारे हम गुरुद्वारे च ने, तो माड़ी मोटी सट सुट लगी उन्होंने, बचाव हो गया, मतलब सारा ट्रक वाला भज गया। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगतों ने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब में पहुंचकर दर्शन व स्नान कर गुरुवाणी का श्रवण किया। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब में अलौकिक जलोस सजाए गए, जिनका संगतों ने दर्शन कर खूब आनंद माना। तो वहीं देर शाम संगतों की ओर से श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में दीपमाला भी की गई और SGPC की ओर से आतिशबाजी भी की गई, जिसके चलते एक अलग ही नजारा सचखंड श्री दरबार साहिब में देखने को मिला। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दीन दुनी दे मालका की आखां, तेरे तोल ते किसे ने तुलना नहीं, टोटे जिगर ते किसे ने वारने नहीं, बादशाही छड़ के जंगली रुलना नहीं, तेरे वांग मिटा के आप ताई किसे बाग संसार ते फुलना नहीं, और तेरी पाठशाला अंदर पड़े जड़े और किसे दे भुलाव्या भुलने नहीं। आज दे दिन गुरु तेग बहादुर साहब नौवें पातशाह माता गुजरी की कुखों अवतार 1666 ईस्वी पटना साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह जी ने धारिया है। आज दे दिन की समूह संगतां नूं लख लख वधाई होवे। सरबंस दानी आपे गुरु आपे चेला, नीले घोड़े दे शाह सवार, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। अज उन्हां दा अवतार दिहाड़ा, दुनिया भर तों लोग आ के दरबार साहब नतमस्तक हो रहे हैं। ठाठा मारदा समुंदर है, अज जलोस जाए जा रहे हैं। 9 to 12 बजे तक शाम को आतिशबाजी होएगी, दीपमाला की जाएगी, समूह संगतों को आज के दिन की लख लख बधाई होवे। जगजीत सिंह खालसा, धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, पुत्रां दे दानी सरबंस दानी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दा अवतार गुरपुरब अज समुची लुकाई दे विच बड़ी श्रद्धा अते भावना दे नाल मनाया जा रहा है। अज असी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे अमृत वेले तो भाई वीर सिंह हाल तो चल के विशाल प्रभात फेरी शहर के वक् वक् बाजारों तो हुंदी होई, अज हुण भाई वीर सिंह हाल तो चल के जो पहुंच अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब के पहुंची है। समूह संगतां धन गुरु रामदास जी महाराज के चरणों के विच नमस्कार करके सारिया संगतां झोलियां जो हैं अपनियां खुशियां नाल भर रही हैं और साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अवतार गुरपुरब मना रही हैं। अज दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा वाद है। अज ठंड भी बहुत आ, ठंड 4-5 हफ्ते तो काफ़ी पै रही आ, निगाह निगाह अज बारिश भी निकी निकी हो रही सी, धुंद भी आसमान से छाई हुई आ, तो दिहाड़ा भी बहुत पवित्र आ, वधिया वा। दशम पातशाह ने अज के दिन पटना साहब विखे अवतार धारिया, तो सारे संसार विच उन्होंने सिखी का प्रचार किया। उन्होंने हर एक सिख नूं कहा भी अमृत छको, अमृतधारी होवो,
दास वालों भी बेनती आ कि सारे अमृत छको अमृत छा के गुरु घर दे नाल जुड़ो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जालंधर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार खालिस्तानी संगठन लश्कर ए खालसा की ओर से धमकियां और व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं। इसी विरोध में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया की अध्यक्षता में पार्टी के सभी कार्यकर्ता पुलिस को एक विज्ञापन देने के लिए पहुंचे, जिसके चलते डीसीपी जसकिरणजीत सिंह तेजा को शिकायत और मांग पत्र देकर मुख्य आरोपियों को पकड़ने की मांग की। इस मौके पर डीसीपी जसकिरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और मनोरंजन कालिया ने मिलकर कुछ दिक्कतों को लेकर मांग पत्र दिया है, जिसे संबंधित थाना को मार्क कर मामले पर कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन जिले का डीसीपी साहब मिले हैं, सो आज जो हालात है जिस तरह के धमकियां आदि फरौतियां हो रही हैं और जिस ढंग भी उत्ते चिंता व्यक्त की है कि भी मुस्तैदी काम होना चाहिए कि जिस ढंग कि प्रीएम्प्टिव एक्शन हो जिते भी कोई इनफॉरमेशन आती, क्योंकि थ्रेटिंग कॉल्स भी आ रही हैं जनरल लोगों जी है, सो उसको लैके असं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लैके मिले। अज जरा बीजेपी के लीडर साहबान के नाल अपना मिस्टर मनोरंजन कालिया साहब इन्हों की प्रधानगी काफ़ी जो बीजेपी के बंदे आके नुमाइंदे मिले, उन्हों दिया कुछ लॉ एंड ऑर्डर होर संबंधित जड़िया कई दिक्कत से उन्होंने एक मेमोरेंडम दिता, वो अभी सैग्रीगेट करके जेडे कोई थाने मुतलका हैगा वो अद्दे उत्तर वर्क करा देंगे। ये मेमोरेंडम दिता है सारा धमकियों रिलेटिड नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के कुछ इशूज हैं उन्होंने भी रिलेटिड है, तो जड़िया कोई हैगी एप्लीकेशन वो साढ़े को साड़ी टीम वर्क कर रही है। जिसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है वह अपने सामने आने वाली मुश्किलों को नहीं देखा करती। ऐसा ही है कुछ जालंधर की रहने वाली रणदीप कौर नंसी, जो कि 90% विकलांग है, लेकिन इसके बावजूद भी वह आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना चाहती है। कोरोना काल में भी उसने समय का सही उपयोग करते हुए कैलीग्राफी आर्ट को सीखा और आज उसे ऑनलाइन ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे वह पैसा कमा रही है और वह कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझती। उसका मानना है कि माँ बाप के हौसले से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो वहीं टीम के साथ खास बातचीत करते हुए रणदीप कौर ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ाई में प्रथम आती रही, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे समझा दिया था कि शिक्षा से ही अपनी किस्मत बदल सकती है, जिसके बाद उसने सपना देखा कि वह आईएएस पीसीएस की तैयारी करे और सिविल सर्विसेज में जाए, ताकि जो लोग उसकी तरह विकलांग हैं उनके लिए वह आवाज़ उठा सके। वहीं उसने कहा कि आज भी देखा जा सकता है कि ना ही बिल्डिंग्स में, ना ही बस में और ना ही कोई दूसरी जगहों पर विकलांगों के लिए कोई इंतज़ाम किए जाते हैं। आगे बातचीत करते हुए उसने बताया कि उसे लिखने का भी शौक है और वह खासकर अपनी माँ के लिए लिखती है, जो कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। आखिर में उसने सरकार से अपील करते हुए कहा कि विकलांगों के लिए अलग से विशेष जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह पर उन्हें अलग समझा जाता है तो यहाँ पर भी उन्हें अलग अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रणदीप कौर नैन्सी, मैं बी कॉम विच डिस्टिंक्शन होल्डर हाँ, तो इस वेले मैं एक प्रोफेसनल कैलीग्राफी आर्टिस्ट वजो काम भी करती पी हाँ, टर्किश कैलीग्राफी आर्टिस्ट हाँ मैं, तो ऑर्डरस मिलते हैं मैं, अर्निंग का मेरा कह सकते एक जरिया बनया हुआ इस टाइम पर, तो उस तो अलावा मैं एम कॉम की स्टडी करती पी हाँ, तो सिविल सर्विसिज की प्रिपरेशन भी करती पी हाँ। मेरा ड्रीम हैगा कि मैं आईएएस क्लीयर कराँ। दिक्कत तो बहुत आदि पर मैं दिक्कत से कभी ध्यान नहीं दिंदी हैगी, क्योंकि जे जो आप प्रॉब्लम्स के उत्ते ध्यान देना स्टार्ट कर दें तो फिर आप लाइफ के कभी अगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो मैं प्रॉब्लम्स के उत्ते कभी भी ध्यान नहीं दिंदी हैगी, मेरा यही मनना है। मैनू शौक तो शुरू तो ही सीगा, बट बेसिकली मैं लॉकडाउन के जड़ा काम से करना स्टार्ट किया, लॉकडाउन के बैठ के मैं सैल्फ टॉट हाँ, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो फिर मैं हैल्प लैके हौली हौली फोंट्स में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो हूँ मैनू 2.5 साल हो गए ने कैलीग्राफी आर्ट करते हुए, तो मेरा पेज बनया हुआ इंस्टाग्राम से, तो वो थ्रू फिर मैं ऑर्डरस रिसीव करती हाँ, तो ऑर्डरस डिस्पैच करती हाँ। परसनल मोटिव मेरा ये तुम कह सकते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज इस करके जाना चाहती हाँ, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी वास्ते बहुत कुछ करना चाहती हाँ।
बठिंडा के गुरुद्वारा किला मुबारक में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए। यह अखंड पाठ साहिब 27 दिसंबर से शुरू किए गए थे, जिनका भोग डाला गया, जिसके उपरांत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गुरुद्वारा किला मुबारक में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर के रागी व ढांडी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर सिविल अस्पताल की टीम द्वारा एक खूनदान कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने आए लोगों द्वारा खूनदान किया गया। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वर्ताया गया। अज गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के मौके पर सिविल होस्पिटल के साड़ी टीम इतने ब्लड कैंप लिए आई हैगी है गुरुद्वारा साहब के इतने बड़े उत्साह लोग आ रहे हैं खूनदान करन दे लई और बहुत अच्छा साडा इतने कैंप चल रहा है। 40 के करीब हो गए हैं साढ़े को डोनर और सानू उम्मीद है इतने 100 के करीब हो जाएंगे अज डोनर। दास सुमेर सिंह मैनेजर गुरुद्वारा साहब हाजी रतन गुरुद्वारा किला मुबारक पाशी 10वीं बठिंडा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज साहिब कमाल दसम पेशा पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा सारे वर्गों के लोग सांझी वालता के तौर पर विश्व भर से संगतों के सहयोग के नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा बनाया जा रहा है। उस कड़ी तहत गुरद्वारा हाजी रतन साहब विखे गुरद्वारा किला मुबारक साहब विखे भी जो प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है। अज धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जी के प्रकाश दिहाड़े से शहीद जरनैल सिंह वैलफेयर सोसायटी वालों खूनदान कैंप लाया जा रहा है। ये खूनदान कैंप गुरद्वारा किला साहब उस धरती से लाया जा रहा है जो पवित्र धरती मनी जाती है। इस पवित्र धरती के उपर साढ़े धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी चरण पाए से अस अज इस धरती के उपर खून दान की जी लहर है वो जनरेशन इन्नी उत्साह ब्लड डोनेट कर रही है, बड़ी खुशी हो रही है सानू। मोरिंडा में दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जिसमें गतका पार्टियों ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए। यह नगर कीर्तन शहर के बाजारों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा श्री शीश गंज साहिब में जाकर संपन्न हुआ, तो वहीं संगतों ने जगह जगह लंगर लगाकर व पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। मैंबर लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज सारी संगतों को गुरुपुरब लख लख बधाई हो। अज संगत असी हरेक साल की तरह नगर कीर्तन कर रहे हैं जो कि कार सेवा के सहयोग न कढ़िया जाता है तो दूर दूर तो संगत आ रही ने। जय प्रकाश हमारा भयो पटना शहर में जय बबलो बाहो बाहो गुरु सिंह आपने गुरु चेला अज दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने प्रकाश दिहाड़े के मुझे के अंदर एक विशाल नगर कीर्तन सच्चा प्यार की अगवाही हेठ धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज छत्र छाया हेठ गुरुद्वारा शीशगंज साहब को आरंभ हो जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जिसमें बैंड पार्टियों गतका पार्टियों ने भाग लेकर अपनी कला के जौहर दिखाए। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर अलग अलग इलाकों से होता हुआ वापस श्री गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान संगतों ने जगह जगह स्वागती मंच व लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान हरभजन सिंह सैनी सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। धन धन श्री गुरु ग्रंथ गोविंद सिंह महाराज जी तिना दे प्रकाश उत्सव के संबंध में आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया तलों एक विशाल नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया थले पंज प्यारे की अगवाई अते समूह संगतां दे सहयोग नाल कढ़िया जा रहा है, जिस विच जगह जगह दे उत्ते संगतां वल्लों गुरु महाराज दे सत्कार वजों
फुलों की वर्खा की गई, लंगर लगाए गए, बीबिया वालों झाड़ू की सेवा की गई। मैं जिथे समूह साध संगत को लख लख मुबारकबाद दिता हाँ। वाहेगुरु के चरणों में अरदास बेनती करता है, वाहेगुरु समूह परिवारों में खुशियाँ खेड़े चढ़दियाँ कला बख्शिश करनिया। ये जो साल भी अगों चढ़न नवा चढ़न जा रहा है उस विच समूह परिवारों नूं तरक्कियां बख्शिश करनिया, कारोबारों विच तरक्कियां बख्शिश करनिया। अज बड़ी भागां वाला दिन है, इंडस्ट्रिया गुरद्वारा साहिब की कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी सरबंस सदानी दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा और उल्लास नाल मनाया जा रहा। अज नगर कीर्तन निकल रहा वै, मैं सारी संगत को बहुत ही बधाई दिना मैं और महाराज अगर अरदास करूँगा कि सारे के घर खुशियां तो मंगल होवे और साडा समाजिक भाईचारा इस तरीके मजबूत रहे, ऐसी महाराज अगर मैं प्रार्थना करता हाँ। अज बड़ा भागां वाला दिन है कि सारी संगत जात पात मजहब न परे करके जो गुरुआ का संदेश है कि मानस की जात सब एक ही पहचान वो, उस मिशन को लैके अज इतने लंगर लगे है, जल की छपील लगी है, चाह के लंगर लगे है। ये साडे हिंदुस्तान का इतिहास है, ये गुरुआं का संदेश है जिहड़ा कि साडे जंदर शहर दे विच देखण नूं मिलिया वै। मैं प्रबंधक कमेटी नूं जिन्ने भी वीरां लंगर लाए है सारिआं नूं बहुत ही बधाई दूंगा और महाराज अगे अरदास करूंगा कि सारिआं दे घरां दे विच खुशियां ते कीड़े होण, असीं सारे रल के इदां खुशियां मनाईए। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। माँ मंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ मंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ मंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों अभिनंदन प्रभाकर एवं दीप्ति कौशल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि इंसान जाति पाति के तमाम बंधनों में जकड़ा हुआ है, अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो इन बंधनों से मुक्ति पा जाता है, सही मायने में वही मुक्ति का अधिकारी होता है। वहीं उन्होंने कहा कि जीवन जीते जी ही मुक्त होना मुक्ति है और ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति माध्यम है। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार शाम को माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में एक शाम माँ पीताम्बरा के नाम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नव वर्ष का आगाज माँ बंगलामुखी जी के दर्शन से हो, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। सभी माँ भक्तों से आवाहन किया जाता है कि वे अपनी हाजिरी माँ बंगलामुखी जी के चरणों में सम्मिलित होकर जरूर लगवाएं। वहीं इस अवसर पर संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, राकेश प्रभाकर, मोहित बहल, बाबा खन्ना, समीर कपूर, संजीव शर्मा, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, रोहित मल्होत्रा, गौरव कोहली, लवली रलहन, बाबा जोशी, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, विक्रम भसीन, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, राघव चड्डा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा, संजीव सावरिया, संजीव मुनीश शर्मा, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ओम ह्रीम प्रगला विद्यानम वाचम मुखम पदम कुंजम वीर वीरवत्त मनासाय रेमम स्वाहा। ओम ह्रीम प्रगला विद्यानम वाचम मुखम पदम कुंजम वीर वीरवत्त मनासाय रेमम स्वाहा। ओम ह्रीम प्रगला विद्यानम वाचम मुखम वीर वीरवत्त मनासाय रेमम स्वाहा। ओम ह्रीम प्रगला विद्यानम वाचम मुखम वीर वीरवत्त मनासाय रेमम स्वाहा। ओम ह्रीम प्रगला विद्यानम वाचम मुखम वीर वीरवत्त मनासाय रेमम स्वाहा। अज माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जी के दरबार के उत्ते जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है
माँ के भव्य मंदिर के अज जिहड़ा इस साल का लास्ट सप्ताहिक हवन यज्ञ होया है। जिंदगी की शुरुआत है, साल आते जाते रहते हैं, दिन आते जाते रहते हैं, पर अपने जिहड़े देवी देवता है उन्होंने वल ध्यान पूर्ण रूप च रखी दा हैगा तां जो मेहर भरिया हथ रखन। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि 31 दिसंबर जो कि ईस्वी सन 2022 समाप्त होएगा, 2023 चढ़ेगा, उस दे उपलक्ष्य लोग होटलों च जाते हैं, कोई किसी जगह जाता, कोई किसी जगह जाता, पर अपने सारे सेवादारा का भाव से कि असी महामाई के दरबार से ही जिहड़ा सब तो पहला दर्शन दीदार है वह अपनी माँ जगदंबा भगवती बगला मुखी जी का करिए। एक शाम माँ पितांबरा के नाम का आयोजन किया जा रहा, एक सांझे महामाई का भजन संकीर्तन होएगा, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ते राधा जी की रासलीला भी डाली जाएगी। स्पैशल उदे लई जिहड़े आर्टिस्ट है वह हुशियारपुर तो आ रहे हैं और अलग अलग तरह दियां बहुत सारिया संजीव सवरिया है और राज एंड पार्टी है, बहुत सारिया पार्टियां महामाई के दरबार से अपना जिहड़ा कि भजन कीर्तन करनगियां, अपनी हाजिरी लगवानगियां। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां मंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज और गुरु मां नीरज रत्न ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं इस मौके पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, पंडित चक्र प्रसाद जोशी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। माँ भगवती माँ बगला मुखी का दिन है। हम माँ बगला मुखी को अपनी राज्य देवी मानते हैं और इसी कारण उनकी पूजा में हमेशा जितना समय हमारे पास होता है उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो निकले और हम माँ भगवती का गुणगान करें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस सृष्टि को चलाने वाले सिर्फ परम पिता परमात्मा है, उनका कोई भी रूप नहीं है, उनका कोई भी रूप नहीं है, वो बिल्कुल एक शून्य रूप में है, लेकिन हम उसको जैसी अपनी भावना होती है वैसी हम अपनी आकृति बनाते हैं अपने मन में और उसी आकृति के रूप में हम अपने ईश को पूजना शुरू करते हैं। जैसे माँ भगवती के कितने ही रूप हैं, तो माँ भगवती के कितने रूप हमने बनाए हैं, माँ भगवती के जी रूप माँ ने नहीं बनाए, कोई माँ वैष्णो देवी उसमें देखता है उनकी भावना है, कोई माँ छिन्मस्तिका को देखता है। अभी देखिए माँ वैष्णो देवी जो है वो तीन शक्तियों का उनमें तीन शक्तियों की जो देवी है वो माँ वैष्णो है। पहली शक्ति है महाकाली, दूसरी शक्ति है महालक्ष्मी और तीसरी शक्ति है माँ सरस्वती। ये तीनों के बिना तो पूरी सृष्टि नहीं चल सकती और उसी का अब हम जब माँ वैष्णो के रूप में पूजन करते हैं तो तीनों देवियों का पूजन हो जाता है। गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा चौक अड्डा हुशियारपुर जालंधर में दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, जत्थेदार सरदारा सिंह, मक्कड़ बाबा सतबीर सिंह, बूटा सिंह भाटिया, मन महेंद्र सिंह संदल सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वर्ताया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
अरदास तो उपरंत एकदम ही आप उठ के बाहर चल जाने हैं। तो जय मक्कड़ साहब बीबी हरजिंदर कौर जी ने बहुत ही वधिया तरीके गुरुद्वारा साहब की ड्यूटियां निभाई हैं, इन्होंने सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बार गुरपुरब आया है तो डेटा का भी बड़ा लम्मा चौड़ा झगड़ा चलता रहा, कोई 29 तरीक न कह रहा, कोई 5 तरीक न कह रहा, लेकिन दिन सारे इकट्ठे हो गए। ये वो दिन ने जिन्हों दिन के असी साहबजादियों की जी शहीदी है उन्होंने भी याद करते हैं। अत की ठंड का दिन है, ये वो दिन है जो असी भुल नहीं सकते कि रात को दुध मोती राम मेहरा ने किदा पियाया, बाद सजा की गई। अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा हुशियारपुर गुरुद्वारे वालों धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और प्रेम सत्कार नाल मनाया जा रहा है। अज के इस प्रोग्राम दे विच भाई मनजीत सिंह जी संत जी अमृतसर वाले, भाई परमजीत सिंह सेवक, भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी, ज्ञानी पवनीत सिंह कथावाचक कथा अते कीर्तन द्वारा संतां नूं निहाल कीता, अते बीबी भानी जी सेवक सभा, इस्त्री सत्संग सेवक सभा, बेबे नानक जी सेवक सभा, ये सारे ने अज का बहुत वड्डा योगदान इन्हां दा, और सारे ही इलाका निवासी संगतां हमेशा प्रबंधक कमेटी नूं योगदान करदियां हन। बलराज कुमार सचदेवा जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री गीता मंदिर आदर्श नगर जालंधर में की गई, जिसमें आए हुए पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय बलराज कुमार सचदेवा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर राजेश सचदेवा, सुनीता सचदेवा, गुलशन राय चावला, नीटा दिशा सचदेवा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय बलराज कुमार सचदेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। खन्ना जीटी रोड पर बच्चों से भरी एक बस हुई दुर्घटना का शिकार, बच्चों को आई मामूली चोटें। सचखंड श्री दरबार साहिब में श्रद्धा भाव से मनाया गया दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, अलौकिक जलोस सजाए गए। जालंधर में भाजपा नेताओं ने डीसीपी को सौंपा मांग पत्र, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।